अच्छी लगी। फाइनली जवान तो जवान स्पीचलेस, बहुत अच्छी लगी। आई थिंक हमने जवान में तो भैया जवान फाइनली रिलीज हो गई है। शाहरुख खान को लेकर इतना क्रेज उनकी करियर के 90s के दौर में भी नहीं था जो अब देखने को मिल रहा है। अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो भैया कहानी बहुत बेहतरीन है और कहानी में कई बार आपको बेहतरीन तरीके से झटका लगेगा। फिल्म के डायरेक्टर अटली कुमार ने बहुत शानदार काम किया है। एक्शन सीक्वेंस की बात की जाए तो भैया इसके ऊपर अलग से ही फोकस किया गया है। जिस तरीके से शाहरुख खान फिल्म में लोगों की कुटाई करते हैं, भाई साहब कहीं से ही देख के नहीं लगता कि शाहरुख खान 57 साल के हो गए हैं। शाहरुख खान की फिल्म में लोग शाहरुख खान देखने जाते हैं और यहाँ पर तो भैया कूट कूट कर शाहरुख खान भरा है। और अगर फिल्म के विलन यानी विजय सेतुपति की बात करे तो भाई इनका कैरेक्टर है लार्जर देन लाइफ, मतलब काफी स्मार्ट और कूल किस्म का व्यक्ति दिखाए गए है। और इनकी हिंदी बोलने की तरीका एक जबरदस्त फ्लेवर ले आते हैं। आई एम द फोर्थ लार्जेस्ट वेपन डीलर इन द वर्ल्ड, अगर कोई मेरे इतने बड़े एम्पायर को हाथ लगाएगा तो। इस फिल्म से शाहरुख खान ने एक बात साबित की है, जो पागलपन शाहरुख खान के अंदर दर मूवी के दौरान था वो आज तक उन्होंने कैरी किया है। दर मूवी में भले ही शाहरुख खान एक साइको आशिक थे पर जो एक्टिंग के लिए क्रेजीनेस उनके अंदर थी ना, वो भाई आज तक जवान मूवी में भी दिखाई दे रहे है। जवान मूवी में भैया वो सब कुछ है जो इंडियन बॉलीवुड फिल्मों में एक लंबे समय से मिसिंग था। जबरदस्त एक्टिंग, बेहतरीन गाने, साउथ इंडियन फिल्मों का जबरदस्त तारका और शाहरुख खान की कई अवतार। देश की बड़े फिल्म क्रिटिक्स ने शाहरुख खान के फिल्म को लाजवाब बताया है। फिल्म क्रिटिक रोहित जयसवाल ने इस फिल्म को मेगा ब्लॉकबस्टर बताया है। वही तारा नदर्श ने तो फिल्म को पूरे के पूरे 5 स्टार दे दिया है और फिल्म को ब्लॉकबस्टर बताया है। इसके अलावा कई ऐसे दर्शक है जो फिल्म को सुपरहिट बताया है। वेल जवान आपने देखा या नहीं हमें कॉमेंट बॉक्स पर बताइए और जवान से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।